subscribe my channel and press the bell icon. दोस्तों अक्षय कुमार की फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई है, इसने अभी से ही कई रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेकफास्ट चैनल। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार ने इस साल की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म रेस 3 को पछाड़ दिया है। जी हाँ, रेस 3 पॉपुलैरिटी के मामले में इस साल की नंबर 1 फिल्म थी। सलमान खान की रेस 3 ने अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जब पैडमैन रिलीज हो रहा था तो अक्षय कुमार पॉपुलैरिटी के मामले में नंबर 1 स्थान पे थे, लेकिन जैसे ही रेस 3 आई तो सलमान खान ने बाजी मार ली और सलमान खान नंबर 1 ट्रेंड पर चले गए। लेकिन वो सलमान खान की नंबर 1 ट्रेंड की रेटिंग गोल्ड ने पछाड़ दिया है और अब अक्षय कुमार बॉलीवुड के नंबर 1 पॉपुलर हीरो बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो गूगल और ट्विटर पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। सलमान खान इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। तो दोस्तों, यहां कह सकते हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड रिलीज होने से पहले ही सलमान खान को पछाड़ दिया है। अक्षय कुमार की पहुंच इतनी ज्यादा है कि दोस्तों ट्विटर हो या इंस्टाग्राम या फेसबुक, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गोल्ड के ही चर्चे हो रहे हैं। गूगल पर अक्षय कुमार की सर्चिंग बहुत ज्यादा हो रही है। इसकी एक और वजह भी हो सकती है, फोर्ब्स की नई लिस्ट में अक्षय कुमार नंबर 1 सेलिब्रिटीज के तौर पर चुने गए हैं, जो बॉलीवुड के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर हैं और विश्व में 76वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस लिस्ट में सलमान खान का 82वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत में दूसरे नंबर पे सलमान खान आ गए हैं, यानी कि हर लिस्ट में सलमान खान 2 नंबर पे हैं और अक्षय कुमार नंबर 1 पर आ गए हैं। अक्षय कुमार के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जैसे ही मेरे पास आगे कोई भी रिपोर्ट आती है तो हम आप लोग को जरूर बताएंगे। अगर आप नए विजिटर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के साथ बने रहिए।